क्यों जी, एक जैसे दो सुहाग के जोड़े क्यों? एक शांति के लिए, एक विजय के लिए, दोनों में फर्क तो नहीं होना चाहिए। करेक्ट। देखा बाप बेटी का दिल कितना बड़ा है। तो माँ का दिल कौन सा छोटा है? कैसे छोटा हो सकता है, महालक्ष्मी का दिल तो महान होगा ही। क्यों? साहब क्या हुआ भाई? क्यों मास्टर, मुंह बनाए क्यों आ रहे हो? कपड़े नहीं सिले क्या? मैम साहब क्या कहूँ, मेरे कारीगर बड़े नमक हराम है, आपके कपड़े पर गर्म मिस्त्री रखकर भून गई। सबके सब जल गए? जी नहीं, सिर्फ जवाई की कमीज का कपड़ा जल गया। दिखाओ दिखाओ। ना राज भी आ गया, 100 बरस की उम्र है इसकी। मास्टर हटाओ ये कपड़ा, जाओ यहाँ से। आओ राज बेटा। अरे तुम लोग मुंह क्या ताक रहे हो, घर में जवाई आया है, कुछ खाने पीने को तो लाओ। अभी नहीं दादी। अरे पूछ तो ले उसे क्या चाहिए। मुझे मालूम है ये क्या पीते हैं। वेरी गुड। आओ बेटा बैठो। चौधरी साहब एक बात की माफी चाहता हूँ। अरे भाई माफी कैसी, जानता हूँ तुम देर से आए हो, लेकिन आ तो गए, विजय तो अच्छी है ना, उसके लिए वर्ड ढूंढ लिया? जी हाँ। वेरी वेरी गुड। बेटा हमने पहले से ही हर चीज के दो दो जोड़े बनवाए हैं। आप नहीं जानते मैं क्या कहने आया हूँ। देखो भाई एहसान के बात करके मुझे शर्मिंदा ना करना बस। शर्म से तो खुद मेरी जुबान नहीं खुल रही चौधरी साहब, मैं शांति से शादी नहीं कर सकता। क्या? राज शायद तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे हालात ऐसे हैं। हालात ही समझिए, विजय जिस लड़के से शादी करना चाहती है उसकी एक अंधी बहन है। तो फिर? और तो कि विजय की शादी की ये शर्त है कि उस अंधी लड़की से तुम शादी कर लो। जी। तुमने क्या फैसला किया? फैसले का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप तो जानते हैं भैया को मरते वक्त मैंने क्या वचन दिया था, और आप ये भी जानते हैं उसे सुनकर ही उन्होंने सुख और चैन से प्राण त्यागे थे। अब आप ही कहिए आज उनकी आत्मा को कैसे दुखी कर सकता हूं। लेकिन राज तुम मेरी हालत को भी समझने की कोशिश करो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या फैसला करते? अगर आप मेरे बड़े भैया होते और मैं आपके वचन का पालन न करता तो आप मेरे बारे में क्या सोचते? तो गद्दार हो क्या? तो क्या एक गद्दार को आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं? नहीं राज, बलिदान से बढ़कर मैं दुनिया में किसी चीज को नहीं समझता। शांति के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी एक बाप का दिल ही जान सकता है, लेकिन राज उसूल के खातिर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। शांति को किसी न किसी तरह समझा बुझा लूंगा, लेकिन इस वक्त राज तुम जाकर उसे तसल्ली दो, उससे कहो, उसे समझाओ कि मिलाप अगर धरती है तो बलिदान आकाश।